नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आइए जानते हैं देश दुनिया की ताजा 25 खबरें। सरकार से पांचवी दौर की वार्ता के लिए किसान नेता पहुंचे विज्ञान भवन, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मंजीत सिंह जीके का किसानों को समर्थन, गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। आजाद किसान संघर्ष समिति के पंजाब के राज्य प्रमुख हरजिंदर सिंह टांडा का बयान, कहा हमारी मांग नहीं मानी तो हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। दोआबा किसान संघर्ष समिति के हरसुलिंदर सिंह का बयान, कहा हम कानूनों में संशोधन के लिए सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। हरियाणा में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर में किसान आंदोलन की एंट्री, बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बिहार में गांधी मैदान में आरजेडी का किसानों के समर्थन में प्रदर्शन, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं काले कृषि कानून को वापस ले। किसानों को कई पार्टियों की तरफ से मिल रहा है समर्थन, चिल्ला बॉर्डर पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस ने लगाई सीमेंटेड बैरिकेड, रास्ता किया बंद। किसान संयुक्त मोर्चा के प्रधान रामपाल सिंह का बयान, कहा आर पार की लड़ाई करके जाएंगे। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखा पत्र, लिखा दिल्ली के लोग बंधक बने। बॉक्सिंग कोच संधू लौटाएंगे द्रोणाचार्य अवार्ड, कहा अगर सरकार किसानों की मांग नहीं मानती तो वे लौटा देंगे द्रोणाचार्य अवार्ड। किसान नेता हरिंदर पाल लखोवाल का बयान, कहा मांग पूरी नहीं होगी तो 8 दिसंबर को होगा भारत बंद। किसानों को मिल रहा मंदिरों के महंतों का साथ, जेवर मंदिर के महंत चंद्रमणि महाराज धरने पर बैठे। फरीदाबाद के अजरौंदा चौक पर किसानों पर हुई पुष्प वर्षा, दिल्ली की ओर जा रहे किसानों के लिए बजट ढोल नगाड़े। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को लिया निशाने पर, कहा बिहार का किसान बिना एमएसपी मुसीबत में, अब पीएम ने पूरे देश को इसी कुएं में धकेला। 36 ब्रिटिश सांसदों की मांग, कृषि कानून पर मोदी सरकार से बात करे ब्रिटेन। किसान आंदोलन को विपक्षी पार्टियों का समर्थन, राजद और डीएमके ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। तृणमूल कांग्रेस का भाजपा पर आरोप, कृषि कानूनों से भाजपा कॉरपोरेट घरानों को बेच रही किसानों के अधिकार। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने किसानों को मुफ्त कानूनी मदद की करी पेशकश, आंदोलन से जुड़े नेताओं ने किया स्वागत। भारतीय किसान संघ के महामंत्री बद्री नारायण चौधरी का बयान, कहा कृषि क्षेत्र की भलाई के लिए एक देश एक बाजार जरूरी। शिवसेना का मोदी सरकार पर कटाक्ष, कहा पंजाब के किसानों ने मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 36,652 मामले, संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या 90 लाख के पार। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी हरियाणा के मंत्री अनिल विज संक्रमित, ट्विटर पर दी जानकारी। मध्य प्रदेश के बैतूल में युवती ने बस में मिला नोटों से भरा बैग पुलिस को सौंपा, पेश की ईमानदारी की मिसाल। जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणी पर भारत का जवाब, कोरोना को लेकर कनाडा की बैठक में नहीं शामिल होंगे विदेश मंत्री।